हो सकते हैं इस पर्टिकुलर काम के करने के दौरान हम फेस करेंगे रियलाइज़ हो सकते हैं पॉसिबल हो सकते हैं देन वी एनालाइज देम सो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन कम्स द एनालिसिस ऑफ दोज रिस्क एंड देन आफ्टर एनालाइजिंग दैट दिस इज वॉट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑफ दीज़ वेरियस थिंग्स दैट कैन हैपन इन फ्यूचर बिकॉज वी डोंट नो दैट देर कुड भी समर्ट ऑफ बिटवीन द वे द थिंग्स आर बींग एक्सपेक्टेड एंड द वे दिंग्स आर गोइंग टू एक्चुअली हैपन तो उसमें चूँकि फ़र्क है और चूँकि इन्वेस्टमेंट्स इनकर हुए हुए हैं एक्सपेंसिस लगे हुए हैं रिसोर्सिस यूटिलाइज हो रहे हैं तो वहाँ हो सकता है कोई कमी पेशी हो नुकसान हो जाए नफ़ा हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ तो इट इज़ देर फॉर इम्पोर्टेंट टू फर्स्टली आइडेंटिफाई द पॉसिबल रिस्क फिर हम उनको एनालाइज करते हैं और जब एनालिसिस हो जाती है तो उसके हिसाब से आप एक्सेप्ट एंड मिटिगेशन कि ये जो कोई नुकसान होने वाली चीज़ों की पॉसिबिलिटी हो रही है उनको हम उन उन पर्टिकुलर चीज़ों की मिटिगेशन के लिए या उसके नेगेटिव इफेक्ट को कम कैसे करने में हम काम करेंगे किस तरह से हम इनको ओवरकम कर सकते हैं ताकि हमारा नुकसान कम अज कम हो तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली कवर्स ऑल दीज थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस एंड देन एक्सेप्टेंस और मिटिगेशन ऑफ द पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन That are because that are that can happen because of the uncertainties, and that can happen that can cost you in terms of the financial investments or the financial decisions that you have incurred. Um, when we are talking about risk management, so it is important that. whatever potential losses ho sakte hai future you For example, moral hazard hai, what could be the level of moral hazard and how What are आर द पॉसिबिलिटीज़ किस किस किस्म की सिचुएशन हो सकते हैं जिसको आप जिससे आपको नुकसान हो सकता है दैट दैट नीड्स टू बी असेस एट द फर्स्ट प्लेस एंड देन यू आर गोइंग टू फाइनलाइज और डिसाइड कि हाउ दीज मॉरल हैज़र्ट्स कैन बी कंट्रोल्ड किस तरह से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ से हमें कोई नुकसान हो सकता है या रिस्क के फैक्टर्स कौन से हैं और फिर हमने उनका अंदाज़ा लगाना होता है कि हमें कौन सी अप्रोप्रिएट एक्शन लेनी पड़ेगी या कौन से एक्शंस नहीं लेने पड़ेंगे जिनसे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकें और उन रिस्क के नुकसान को कम से कम किया जा सके और इसमें एक और अहम जो कॉन्सेप्ट है जिसको हमने इस्तेमाल करना होता है दैट इज वाइल एनालाइजिंग दिस होल थिंग इज द लेवल ऑफ रिस्क टॉलरेंस सो रिस्क टॉलरेंस इज़ अन अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल के देर कुड बी डिफरेंट लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर गोइंग टू Tolerate the risk or different levels of investment, ke upar, different growth level. Ke upar. Firms have tolerance ka level decide karte hai, ya It can vary from firm to firm or business to business, and in terms of individuals, also. So the appropriateness of a risk management decision should be judged in the light of whatever available information is there. किसी जिस वक्त आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए एनालिसिस करें डिसीजन मेकिंग करें रिस्क को आइडेंटिफाई करें इट इज़ इम्पोर्टेंट कि उस वक्त की मौजूदा सूरत हाल को बखूबी अंदाजा लगाने के साथ के बाद आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के पूरे एनालिसिस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जैसे जैसे सूरत हाल बदलती जाती है रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी फ्लैक्सीबल इनाफ कि जब सूरत हाल बदल रही है उसके मुताबिक आप नए पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रहे हैं उनको आप किस तरह से अंदाज़ा लगा के अपने पूरे रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में उसको यूटिलाइज करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं सो so, अगर कुछ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि बाद में आपको मिली है या कोई ऐसे सिचुएशन से या इवेंट्स हैं जो कि लेटर ऑन हैपन हुए उस पर्टिकुलर चीज़ को काउंट फॉर लेटर ऑन किया जाएगा लेकिन जब आप रिस्क मैनेजमेंट के स्ट्रेटजीज बना रहे हैं अभी इस वक्त तो फिर इस वक्त की जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है आप उसको अकाउंट फॉर करके अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं दूसरी अहम चीज़ जो हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में या रिस्क के बारे में जानना ज़रूरी है दैट इज के रिस्क को आप रिटर्न से सेपरेट नहीं कर सकते दे आर इनसेपरेबल सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग टू अर्न एनी काइंड रिटर्न वेदर इट इज़ स्मॉल और बिग आपको हर हालत में रिस्क लेना ही पड़ेगा सो रिटर्न रिस्क के बगैर नहीं आ सकता दीज आर दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट रिस्क को असेस करने के लिए या एनालाइज करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत से तरीके लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं एक्सपर्ट्स ने जिन को जिनको इस्तेमाल करके हम रिस्क के बारे में को मेयर कर सकते हैं उनके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं एक जो सबसे कॉमनली इस इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है रिस्क का अंदाज़ा लगाने के लिए दैट इज़ अ स्टैंडर्ड एवियेसन सो स्टैंडर्ड एवियेसन बेसिकली इज़ अ स्टिस्टिकल टर्म जो कि आपको स्प्रेड या डिविएशन बताती है कि एवरेज जो वैल्यू है कोई एक वैल्यू जिससे आप बोल रहे हैं कि ये हमारे डेटा को ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑन एवरेज बाकी के सारे वैल्यूज़ इस डेटा में तकरीबन इस नंबर की तरह के हैं तो डेटा का जो स्प्रेड है या डिस्पर्शन है वो उसका इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन और उस स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन को हम रिस्क के तौर रिस्क को असेस करने के लिए पैमाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं